गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। आई एम श्योर आप लोग अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। मैं आई थी बाहर देखने के लिए, किसी ने कुछ बेल बजाई थी, लेकिन कोई मतलब बेल क्या बजाई थी, कुछ ठक ठक हुआ था, इसलिए मैं देखने गई थी। बाकी आज मैं व्लॉग बहुत देर से स्टार्ट कर रही हूँ और इधर बड़ी खटपट रही है तो मैं बाहर ही आ गई, तो बहुत देर से ही स्टार्ट कर रही हूँ। लेकिन हाँ, मॉर्निंग बोला है तो मॉर्निंग तो है, देखो चिड़ियों की चीची आवाज़ आ रही है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा लेट हो गया मेरे को, क्योंकि भैया ना गर्म के कामों में आजकल उठती वही अपना सुबह टाइम पे हूँ, लेकिन इतना काम हो जाता है। आज शैम्पू भी करना था, जैसे मैंने कल बताया ना कि कल ही बहुत मेरे को हो रही थी ऑयली, और अभी देखो मैं कैसे झल्ली जैसे घूम रही हूँ, मैंने क्योंकि अभी बाल भी अपने ठीक किए ही नहीं है, ऐसे ही घूम रही हूँ। और आज थोड़ा फर्ज ही मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं ऐसे ही रहना चाहती हूँ, मैं स्ट्रेट नहीं करूँगी आज। कमेंट करके बताना अच्छी लग रही हूँ या नहीं लग रही हूँ, गलत कमेंट बिल्कुल मत करना, तो चलो कर देना, अच्छा कोई बात नहीं। तो बस यही है आज का, क्या ही काम है आज, कहीं जाना वाना है नहीं, मुझे कोई मन भी नहीं कहीं जाने का, क्योंकि जाने के पीछे बस ये रहता ना, रेडी हो जाओ आओ घर का जल्दी जल्दी काम करो, फिर थक जाते हैं। और कल भी वहाँ जाके ना मैं बहुत थक गई, फिर वीडियो अभी जितनी कल रील बनाई है वो सब अभी एडिटिंग के लिए पड़ी हुई है, मेरे कोई करनी है और कोई करता है नहीं, तो इसलिए आज का कुछ खास प्रोग्राम है नहीं फिलहाल। तब तक आप लोग कल के वीडियोस देख लो, कल मैं अम्बेडकर पार्क गई थी वहीं पे अपने वीडियो शूट वगैरह करने के लिए, तो कल का ब्लॉग बहुत लंबा हो गया था, तो कल के में मैंने नहीं ज़्यादा वो किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा ब्लॉग देखना कोई चाहता नहीं है देखो, ठीक है। तो मैंने सोचा कि चलो आज के काम आ जाएगा, तो आज मैं उसको लगा रही हूँ, फिलहाल आप जाके पहले वही देख। तो गाइस हम लोग घर से निकल चुके हैं और निकलते ही हम लोग पहुँच चुके हैं पेट्रोल पम्प, पहले गाड़ी को कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे, फिर उसके बाद नहीं नहीं हम लोग कुछ नहीं खाने जा रहे, हम लोग पहले जाएंगे अपना काम हम करेंगे पहले इसलिए, और फिर उसके बाद हम लोग अपने को पेट्रोल देंगे, मतलब खाना पीना अभी नहीं। तो ये वाली हवा चेक करना, तो हवा भी चेक हो रही है गाड़ी की, और कल ये इसी टाइम पे नेचुरल ब्यूटी की बात हो रही थी। हाँ, और कमेंट्स आए भी, कमेंट भी पढ़े मैंने, हाँ। कमेंट आपके लिए आए भी हैं, तो 10 मिनट नहीं 30 मिनट लगेगा ये बोला है तुमको, और एक और जन्ने में किसी ने कमेंट किया नहीं 10 मिनट में मैं हो जाती हूँ गुड़िया करके, गुड़िया बेटी तैयार हो जाती, मुझे पता नहीं वो कौन है, राज भट्ट और नौशाद जी ने किया है कि बिटिया 10 मिनट में तो नहीं, यहाँ 30 मिनट में तो होती है। तो आज भी ये देखो वैसे ही टाइम, इतना ही टाइम आज तो, और आराम से, क्योंकि इनको पहले से कल डांट पड़ी थी तो आज वो थोड़ा जल्दी से ही स्टार्ट हो गई थी, इनसे भी पहले। हाँ, तो क्योंकि इनको झाड़ दिया था और इनको बोल दिया था कि 2 घंटा लगे, तो 2 घंटा पहले से स्टार्ट हो, ये नहीं कि चलने के टाइम से स्टार्ट हो, तो आज ऐसा कुछ नहीं, मैं हमेशा पहले एडवांस में तैयार होती हूँ, लेकिन कल मुझे कहीं जाना था तो मैं जाके फिर वापस आई इसलिए मैं लेट हूँ। तो पहले हो क्यों जाती, या पहले हो आती, कुछ करती ना। तो खैर कल वाला प्रोग्राम फिर अब आज शिफ्ट हुआ था तो आज जा रहे हैं, तो चलिए आपको भी लेके चलते हैं, आप लोग भी इंजॉय करो, घूमो फिरो। कल का ट्रेड फेयर कैसा लगा है तो कमेंट करके बता ही नहीं किसी ने, तो ऐसा कुछ अच्छा था ही नहीं, जब मैं गई मुझे ही नहीं उतना अच्छा लगा, मैं गया हम लोग को किसी को भी नहीं अच्छा लगा, बस ये है कि आज शॉपिंग करने को मिल गई, कर चले आए, बाकी और कुछ भी वहाँ पे नहीं था। तो और जो था भी वो बहुत महंगा महंगा था, एक आपने मार्बल का लॉयन देखा होगा, शेर देखा होगा, वो वास के आसपास ही कहीं होगा अगर आया होगा वीडियो में, तो आया तो होगा आई एम श्योर, तो उसका हम लोगों ने दाम पूछा था, तो सिर्फ मात्र 3.5 लाख के जोड़ा था वो शेर का, तो वो कौन अपने घर में रखता होगा, अगर भाई 3.5 लाख मेरे को कोई दे दे तो मैं वो शेर ना लेके पता नहीं और क्या क्या खरीद डालू, तो बट लोग खरीदते हैं भाई, खरीदते हैं क्या करे, है पैसा उनके पास तो खरीदते हैं, तो हम लोगों ने तो सिर्फ दाम ही पूछा था और कुछ नहीं। तो फिर से देखना शेर को, उसमें दिखाई देगा आपको कल के व्लॉग में, तो बस यही सब था वहाँ पे, महंगे महंगे ये मार्बल के शेर, वो थे वो फुहारा वाला फाउंटेन वाला, वो बहुत से लोगों को रखने का शौक है, बट घर ही आजकल इतने छोटे छोटे हो रहे हैं तो बताओ उसको कहाँ रखें, और सूर्य का अच्छा था हाँ, क्योंकि अब वो कम से कम जगह में आ रहा था, कोई ज्यादा जगह भी नहीं ले रहा था वो, तो वो चीज अच्छी थी, बाकी वास्ते और सब यूजलेस चीजें थी, ऐसा कुछ खास नहीं था। तो आप लोगों ने तो देख ही लिया, वास तो फिर भी चलो है, लेकिन दाम बहुत थे भाई, उतने हम खरीद नहीं सकते, तो वही चीज है, महंगी महंगी बहुत चीजें थी, तो
चलिए फिलहाल अब चलते हैं दूसरी जगह घूमने जा रहे हैं, दिखाते हैं आप लोगों को कि कहाँ पहुँच रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। आज कोई फेयर एयर में नहीं जा रहे, कोई शॉपिंग वॉपिंग का मन नहीं है, कुछ नहीं है, बस ऐसे ही। तो मिलती हूँ आपसे। अपने पेट के पास जाते हुए हाथी कहाँ आ गए हम लोग, एकदम डोम के पास आके खड़े हो गए। दो हाथी आप लोगों को एक साथ दिखा रहे हैं, गजराज जी देख लो कहाँ खड़े हैं हम लोग, ये भी दिखा दो। और अंधेरा हो चुका है, हम लोग एकदम टॉप पे आ गए थे इसके, और अंधेरा भी हो चुका है गाइस। और बहुत पतली पतली सीढ़ियां यहाँ की, थोड़ा थोड़ा BTS लग रहा है। हम लोग अपने वहाँ अम्बेडकर पार्क से घूम फिर के आ गए हैं, और काम मेरा जो भी होना था, जो भी वीडियो रील वगैरह बननी थी, कुछ कुछ बन गई है। और कैसी बनी है वो जब आप लोगों को मिलेंगी तब देख के बताना, कमेंट करना। और फिलहाल अब वही चाय पीने जा रहे हैं क्योंकि थक गए हैं और अब सबको चाय पीने का मन है, तो अब सब जा रहे हैं चाय पीने। तो मिलते हैं चाय की टपरी पे। गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, और आई होप आप लोगों ने अम्बेडकर पार्क को इंजॉय किया होगा। शाम हो गई, आज मैं दोपहर में ना खूब सोई हूँ क्योंकि बीच में मेरे को व्लॉग बनाना नहीं था क्योंकि ऑलरेडी का वो अम्बेडकर पार्क का लगाना था, तो मुझे लगा कि मैंने सोचा, मैंने दिमाग लगाया कि मेरे पास चलो आज का थोड़ा सा टाइम है तो एक दो घंटा सो गया, तो कितने दिन से नहीं सोई थी दोपहर में, आज छुट्टी मिली है तो मैंने सोचा चलो, क्योंकि रोज कहीं ना कहीं बाहर 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 हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो आज थोड़ी देर सो के आती हूँ। तो घंटा दो घंटा शायद मैं सो गई थी, अभी बस उठी हूँ, चाय पी है, अब जा रही हूँ, भगवान का दिया वगैरह जलाऊंगी शाम का, और बत्ती तो भगवान की जल गई है शाम की, तो मैं सब दिया वगैरह जला के फिर देखती हूँ। वो मेड भी आ गई है, उसके संग लगती हूँ किचन में क्या बनना है क्या नहीं बनना। चिप्स ऊपर से समेट दी गई है, सब हट गई है, और आज की बहुत अच्छी बनी है। आज की क्या डेली अच्छी बनती है, ऐसी कोई बात नहीं है, बट साफ सुथरी अच्छे से बनी, धूप क्योंकि बहुत अच्छे से लग गई थी। और आज मैं बाल नहीं बनवाऊंगी, आज मुझे ऐसे पता नहीं क्यों मैगी नूडल्स अच्छे लग रहे हैं, किसको अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि हमेशा वो एकदम स्ट्रेट रहते हैं ना तो वॉल्यूम खत्म हो जाती है, चिपकू चिपकू जैसे हो जाते हैं, आज एकदम फ्लफी जैसे। फिलहाल आज के लिए मैं ऐसे ही रखती हूँ, कल देखती हूँ सुबह सुबह करवा लूँगी उससे। तो मिलती हूँ आपसे, कर लूँ भगवान की। तो गाइस आज जाके किचन का मेरा काम ख़त्म हुआ है, जो कि अभी भी थोड़ा बहुत बाकी है, पूरी तरीके से अभी भी नहीं ख़त्म हुआ, और मैं एकदम आज पता नहीं क्या बनी हुई हूँ बालों को लेकर, ऐसा लग रहा है अभी भी गीला है। खैर खाना पीना सबको निपटा दिया, सब कुछ हो गया, और किचन अभी भी थोड़ा सा गंदा पड़ा हुआ है, मुझे साफ़ करना है। देखो कैसा पड़ा हुआ है, फैला हुआ पड़ा हुआ है, तो अभी 10-15 मिनट इसमें भी लग जाएंगे। फिर मेरे को जल्दी आज वाइंड अप भी करना है कल, क्योंकि मेरी बेटी का स्कूल है, स्कूल नहीं मींस रिजल्ट है, तो उसके लिए आई डोंट थिंक कि पूरा फैमिली को उठ के जाना है और पूरा परिवार उठ के चला जा रहा है, तो एक जन भी जाके रिजल्ट ला सकता है, काम बन सकता है, तो मैं तो सोच रही हूँ कि मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि मेरा कोई काम वाम है नहीं, तो यही जाके ले आएंगे और काम बन जाएगा। और बेटी को भी जाने का कोई तुक नहीं बनता है क्योंकि उसका कोई काम नहीं है, तो बस इतना ही। लेकिन सुबह उठना तो वही अपने टाइम से ही, और काम वही सब, इनको निकलना पड़ेगा जल्दी 10:30 बजे का क्योंकि उसका टाइम है, तो ये 10 बजे तक निकलेंगे, 10 या 9:45 तक निकलेंगे,
और अगर हम लोगों का भी प्रोग्राम हुआ तो भी हम निकलेंगे तो वही 9:45 तक ही निकलेंगे। लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम लोगों को निकलना है या है, फिलहाल ही अकेले ही जाके ले आएंगे। तो बट अगर इन केस रात में प्रोग्राम बन गया कि नहीं जाना है, चलते हैं चलो, तो इसलिए। तो बाकी बस इतना ही, आज ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, मैं अपने कामों में ही लगी रही, थोड़ी सी साफ सफाई और क्लीनिंग वगैरह अपनी अलमारी ठीक कर रही थी, तो ज़्यादा व्लॉग बना नहीं पाई। बाकी आप लोगों ने अम्बेडकर पार्क वाला तो व्लॉग देख ही लिया होगा, इन्जॉय तो कर ही लिया होगा। बाकी अब कल मिलती हूँ आपसे, कल देखती हूँ क्या होता है व्लॉग में। बाकी कुछ बताना तो था कि, लेकिन अब कल बताऊँगी, कहीं बाहर बैठूँगी तब बताऊँगी। तो क्योंकि जो बहुत 2 दिन उधर 3 दिन में लगातार मीटिंग में गई थी, तो उसका फाइनल रिजल्ट आ चुका है, तो बस उसी के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। मैं इतने दिनों से वेट कर रही थी कि बताऊँ, तो रिजल्ट तो आ चुका है, 1-2 दिन हो चुके हैं, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं बताती व्लॉग में। तो बट लेकिन 1-2 दिन कल मैं डेफिनेटली, हाँ कल मैं पक्का कल मैं बताती हूँ आप लोगों को कि उसका रिजल्ट क्या रहा। क्या मीटिंग थी ये तो नहीं बताऊंगी, किस बारे में मीटिंग थी ये भी नहीं बता पाऊंगी, लेकिन हाँ ये डेफिनेटली बता सकती हूँ कि मीटिंग का क्या रहा। तो कल मिलती हूँ, कल बताती हूँ। बाकी आज का व्लॉग बस इतना ही, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। 10 बजने वाला है, लाइव का भी टाइम होने वाला है, तो उससे पहले व्लॉग को एडिट कर लेती हूँ और इसको शेड्यूल कर देती हूँ ताकि कल आपको टाइम से मिल जाए। ठीक है, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ देना, मतलब देखना, ऐड स्किप मत करना, और आराम से देखो पूरे व्लॉग को, स्किप मत करना। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है तो ऐसे मत करना। चलो फिर मिलती हूँ कल, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।